श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो है बाबा फरीद, शेख फरीद। मुरारी बापू मानस युग धर्म कथा में बाबा फरीद के बारे में बताते हैं। यह कथा उन्होंने फरीदाबाद में की। वो कहते हैं कि फरीद एक सूफी संत है। सूफी जो विचारधारा है उसका मूल उद्गम स्थान अरब ईरान माना गया, लेकिन फरीद का जो सूफीवाद है वो पंजाबी सूफीवाद है। कहते हैं कि बड़े तपस्वी थे महापुरुष फरीद। एक बार फरीद की माँ ने कहा, बेटा 12 साल वन में जाओ। ये आदमी एक भी शब्द बोले बिना 12 साल वन में भटकने लगा। 12 साल के बाद जब लौटे हैं तो माँ को प्रणाम किया और शिकायत भरे स्वर में फरीद बोले, अम्मा 12 साल वन में रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कहा, दूसरी बार 12 साल जा, शिकायत क्यों की? शिकायत ये बंदगी की बाधा है। एक और प्रसंग बताते हैं। वो कहते हैं कि रोजा के दिन चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं इस्लाम धर्म के। फरीद साहब के जीवन का एक प्रसंग है छोटा सा। रोजा चल रहा था फरीद साहब का और जलालुद्दीन सूफी संत मिलने आए। फरीद बैठे थे, उपवास है, रोजा है, रमजान का महीना है। तो उस महापुरुष के पास एक अनार था, वो फरीद को दे दिया, बिना बोले चल पड़े। वो अनार हाथ से गिरा, उसके ऊपर का छिलका थोड़ा टूटा हुआ था, उसमें से एक दाना गिर गया। वो एक दाना फरीद साहब ने लिया और सोचा कि जब इफ्तार का समय आएगा शाम को, जब खाने की इजाज़त इस्लाम धर्म ने दी हो, तब ये दाना मैं खाऊंगा। और अनार का ये दाना वो इफ्तार के समय खाते हैं। और सूफीवाद सभी कहते हैं कि इस एक दाने से फरीद की चेतना विलसित हो गई थी, अद्भुत जागरण हो गया था। अब आदमी की स्थिति क्या है कि करुणा को एंजॉय नहीं करता है, शिकायत करता है कि कम करुणा क्यों हुई। फरीद के मन में एक शिकायत उठी कि एक ही दाना क्यों मिला अनार का, अनार में तो बहुत दाने थे। उसी समय एक दूसरा सूफी संत आता है, कुतुबुद्दीन आए हैं। वो आए और फरीद को शिकायत के कारण ग्लानी में डूबे देखा और कहा, अरे पवित्र मास चल रहा है, बंदगी का मास चल रहा है रमजान, और बाबा फरीद आप ऐसे गलानी से क्यों भरे हैं, कुछ तो कहें। तब बोले, एक दाना मिला, एक दाने से इतनी जागृति मिली तो सब दाने मिल जाते। तो वो महात्मा ऐसा कहते हैं कि जो करुणा थी ना वो एक ही दाने में थी, बाकी पूरा अनार बेकार था, ऐसा कहकर वो चल दिए। बापू कहते हैं, मेरे भाई बहन, कृपा का एक अंश भी पर्याप्त है। कृपा कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है, कृपा का कोई गणित नहीं, कृपा का कोई सांख शास्त्र नहीं है। होती है ना तो पूरी ही होती है। मेरे श्रोताओं से प्रार्थना है, भक्ति मार्ग हो, प्रेम मार्ग हो, अध्यात्म मार्ग हो, चित्त शिकायत शून्य होना चाहिए। शिकायत करने के लिए बहुत बड़ा संसार है, संसार बहुत बड़ा है, थक जाओगे तुम भी, सुनने वाले भी थक जाएंगे। इसलिए इस शिकायत को अध्यात्म में मत लाइए। ऐसे थे बाबा फरीद। ये थी बाबा फरीद की, संत फरीद की एक छोटी सी कथा जो बापू ने सुनाई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी। और जो भी भक्त भक्ति मार्ग में हैं, शिकायत करना थोड़ा कम करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री राधे।